नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं परवीन पठान। आपके सामने क्राइम सेवन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं। सूरत के सलावतपुरा पुलिस के हद में जुगाड़ का अड्डा बड़ी जोर शोर से चल रहा है और सलावतपुरा पुलिस इस मामले में गहरी नींद में सो रही है। तरफ हमारे सूरत शहर में दिन ब दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चोरी, लूट, ठगी, मारामारी जैसे किस्से लगभग रोज के ही हो गए हैं और ऐसे में शहर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे और सूरत में बड़ी जोर शोर से जुगाड़ के अड्डे चला रहे लोगों की तो बात ही जाने दो। सूरत में जुगाड़ के अड्डे चलाने वाले जुआरी बेखौफ होकर जुगाड़ के अड्डे चला रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा सूरत के सलावतपुरा इलाके में सामने आया है। आपको बताते चले कि सूरत के सलावतपुरा इलाके में उमरवाड़ा चिमनी टेकरा सलीम नगर के पास स्थित प्रताप भाई पानवाले के गले के पीछे वाली गली में बड़ी जोर शोर से जुगाड़ का अड्डा चल रहा है और बड़े बेखौफ होकर हमाकू, कलंदर और रशीद नाम के जुआरी जुगाड़ का अड्डा धम धोकर चला रहे हैं और सलावतपुरा पुलिस इस मामले में गहरी निद्रा में सोई हुई है। इस चल रहे जुए के अड्डे को बंद कराने के लिए सलावतपुरा पुलिस कर्मियों द्वारा कोई कदम बढ़ाया नहीं जाता। क्यों सलावतपुरा पुलिस इस मामले में आंख आड़े कान कर रही है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या सलावतपुरा पुलिस अधिकारियों को इस चल रहे जुए के अड्डे से कोई फायदा हो रहा है या फिर सलावतपुरा पुलिस कर्मी किसी के दबाव में आकर इस मामले में ऐसे अनजान बन रहे हैं? क्या इस बात की खबर शहर पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस चल रहे जुगाड़ के अड्डे के बारे में जानकारी मिलने पर उनकी तरफ से इन अड्डों को बंद करवाने के लिए कोई कदम बढ़ाया जाएगा या फिर आने वाले दिनों में ऐसे ही जुगाड़ के अड्डे चलाने वाले जुआरी अपना सर उठाएंगे और सूरत शहर पे अपना कब्जा जमाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्राइम सेवन न्यूज़ सूरत।